तो ये मूवी शुरू होते ही हमें एक लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। उस लाइब्रेरी में कुछ अजीब से लोग आते हैं और वहाँ पर मौजूद लाइब्रेरियन को मार देते हैं और ये लोग वहाँ पर रखे गए बुक से कुछ पेजेस फाड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर कोई साया आ जाता है, जिसे देखकर ये सब डरकर भागने लगते हैं और इनका लीडर एक पोर्टल बना देता है जिससे होते हुए ये किसी दूसरे शहर में आ जाते हैं। लेकिन वो शेडो अभी भी इनके पीछे था, हमें उसका फेस नहीं नजर आ रहा होता। वो साया वहाँ पर मौजूद हर चीज को कंट्रोल में कर लेता है और वो इनको मारने ही वाला होता है कि तभी वो लीडर एक और पोर्टल बनाता है और वहाँ से अपने दोस्तों को लेकर चला जाता है। ये साया कोई और नहीं बल्कि एक औरत थी और ये उस लीडर की उस्ताद हुआ करती थी। लेकिन वो बुरा आदमी अब बुरे लोगों के साथ मिल चुका था और अपनी पावर्स का ठीक से यूज नहीं कर रहा था। वो दरअसल किसी बुक के पीछे पड़ा हुआ था जिसके कुछ पेजेस वो ऑलरेडी ही चुरा चुका था, लेकिन वो औरत ये नहीं चाहती थी इसीलिए वो इसके पीछे थी। अब सीन चेंज होता है और हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर रहते हैं जिनका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज है। वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। उनके ऑपरेशंस पूरी दुनिया में मशहूर थे, लेकिन वो ये थोड़ी जानते थे कि ये एबिलिटी उनके पास कुछ ही दिन के लिए है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उनका काफी भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनके फेस पर काफी चोटें आती हैं और उनके हाथ जाया हो जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि अब आप पूरी जिंदगी कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने कोलीग से कहते हैं कि किसी भी तरह करके मुझे एबिलिटी वापस चाहिए, मेरे हाथ ठीक होने चाहिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास इलाज के लिए भेज दिया जाता है। वो फिजियोथेरेपिस्ट भी कमाल का था। उसके बारे में ये मशहूर था कि उसने एक पैरालाइज्ड आदमी को 3 दिन में ठीक कर दिया कि वो चलने के काबिल हो गया, और इस बात पर डॉक्टर स्ट्रेंज को यकीन ही नहीं आता। अब हमें ये बताया जाता है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट काफी महंगा था, यानी इसे इलाज करवाने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन डॉक्टर स्ट्रेंज की फीमेल फ्रेंड उनके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे भी डांट के वहाँ से भेज देते हैं कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, और वो वहाँ से रोट के यानी नाराज होके चली जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज सीधा वहाँ से उस आदमी से मिलने जाते हैं जो कि पैरालाइज होने के बावजूद 3 दिन में ठीक हो गया, लेकिन वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं मिलता, क्योंकि जब वो पैरालाइज था तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसका ये सोचकर इलाज नहीं किया कि ये ठीक हो ही नहीं सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे बता दो, मैं भी ठीक होना चाहता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक ऐसी जगह पर गया जहाँ पर मैं बहुत से लोगों से मिला। वहाँ पर मुझे एक गुरु मिले, एक लीडर जिन्होंने मुझे हील किया। ये उसी जगह का बता रहा होता है जिस कंट्री में वो हमें लाइब्रेरी दिखाई गई थी। वो आदमी इनको बताता है कि तुम्हें उस जगह तक जाने के लिए बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे अपनी एबिलिटी वापस लाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा, और इसके साथ वो भी उसी कंट्री में चले जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे जिसकी तलाश में गए थे वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो कि मूवी के स्टार्ट में हमें एक साई की तरह दिखाई गई। उनको उस औरत के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस औरत से मिलके कहते हैं कि क्या प्लीज मुझे बता सकती हैं कि आप पैरालाइज लोगों को कैसे ठीक करती हैं। तो वो औरत बताती हैं कि मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, मैं बस समझाती हूँ कि तुम लोग जो चाहो कर सकते हो, तुम लोगों में बस विल पावर होनी चाहिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। तो वो गुरु डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि जब तुम्हें कोई चोट आती है तो तुम यही सोचते हो ना कि तुम्हारा जिस्म उसे खुद हील करता है, तुम्हारे जिस्म में मौजूद जो जो सेल्स हैं वो उसे हील करते हैं, वो जोड़ते हैं उसे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो वो औरत कहती है कि गलत, हम चाहें तो खुद भी अपनी सोच से अपने जख्मों को ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि क्या आप वाकई चाहती हैं कि मैं आपकी इन बातों पर यकीन कर लूं? मैं साइंस पर यकीन रखने वाला एक डॉक्टर हूं। मैं किसी भी सोल पर या पावर पर यकीन नहीं रखता, और मेरे पास जितने पैसे थे जिनसे मैं अपना थोड़ा बहुत इलाज करवा सकता था वो मैंने यहाँ आने में वेस्ट कर दिए, मैं कितना पागल हूँ। ये सुनते ही वो औरत उसे एक पंच मारती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह उनकी बॉडी से बाहर आ जाती है, और फिर जब कुछ टाइम बाद उनकी सोल उनकी बॉडी में वापस आती है तो उनको ऐसे फील होता है कि जैसे वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गए थे। वो उस औरत से पूछने लगते हैं कि मुझे क्या हुआ था। तो वो औरत यानी गुरु उनके सर पर हाथ लगाती है तो डॉक्टर को अजीब अजीब विजन्स आने लगते हैं जिनसे उनको यकीन हो जाता है कि ये सच कह रही थी, इनके पास वाकई पावर्स हैं।
लेकिन अब वो गुरु औरत अपने लोगों से कहती हैं कि मैं इसको नहीं सिखाना चाहती कुछ, इसे बाहर निकाल दो। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं इन सब पे यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मुझे आप पे यकीन आ गया है और मैं सीखना चाहता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर मत निकालें। और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब वहीं का एक आदमी उस औरत से कहता है कि उसको माफ कर देना, वो आपसे सीखने आया है तो आप सिखा दें, जरूरी नहीं है कि वो भी उस बुरे आदमी की तरह निकले जिसने उस बुक के पेजेस चुराए थे। और वो उस गुरु को बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही काबिल इंसान है और दुनिया को उनकी जरूरत है, अगर आप उन्हें ठीक कर देंगी तो इसमें सबका फायदा होगा। फिर इसके बाद वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को अंदर बुला लेते हैं। अब वो लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ स्पेल्स दिखाने लगती है, उन्हें कुछ चीजें सिखाने लगती है कि असल में इन सबका प्रोसेस क्या होता है। जैसे जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज वो सीखना शुरू करते हैं तो उन्हें सब कुछ समझ आने लगता है कि असल में जिस दुनिया में मैं रह रहा था वो तो असली दुनिया है ही नहीं, असली दुनिया तो वो है जिसके बारे में ये गुरु लेडी जानती है। उसे समझ आने लगता है कि उस दुनिया में और भी पावर्स मौजूद हैं जिनको यूज करके हम काफी ताकतवर हो सकते हैं और हमें अपने जीने का पर्पस जा सकता है। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उस औरत की हर बात मान रहे थे, वो जो जो बुक्स पढ़ने के लिए दे रही थी उसको पढ़ भी रहे थे, और साथ ही साथ उस लेडी का जो सबसे अच्छा स्टूडेंट था जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज की फेवर की थी कि इसे अंदर बुला लिया जाए, वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज की अब हेल्प कर रहा था कि तुमने किस तरह से स्पेल करना है और कैसे सब कुछ बनाना है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज से कुछ नहीं हो रहा होता तो तभी वहाँ पर वो गुरु लेडी आ जाती है और सबसे कहती है कि तुम सब चले जाओ सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज के। और फिर उसके बाद वो एक छोटा सा पोर्टल बनाती हैं जिसकी वजह से वो और डॉक्टर स्ट्रेंज माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत ही ज्यादा सर्दी होती है तो वो गुरु लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती हैं कि अगर तुम ना जान पाओ कि तुम्हें यहां पर कैसे सर्वाइव करना है तो तुम आधा घंटा भी यहां ना निकाल सको। और ये कह के वो वहां से चली जाती हैं। दरअसल ये उसके लिए एक टेस्ट था, एक आजमाइश थी ये देखने के लिए कि उसमें ये पावर्स अभी तक कितनी डिवेलप हो चुकी हैं और क्या वो इस काबिल है कि खुद को बचा सके। उस गुरु लेडी का स्टूडेंट उनसे कहता है कि हमें उसे वापस लेके आना चाहिए, उसने अभी तक कुछ नहीं सीखा। तो वो गुरु लेडी कहती हैं कि उसे थोड़ा वक्त दो, वो सब सीख जाएगा, मैं समझ चुकी हूँ। और देखते ही देखते कुछ ही देर में डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर आ जाते हैं, यानी अब वो पावर्स को यूज करना सीख चुके थे, बेशक उन्हें थोड़ा टाइम लगा था। और फिर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक लाइब्रेरी में जाते हैं और एक बुक मांगते हैं, लेकिन वहाँ का लाइब्रेरियन कहता है कि नहीं, मैं अभी तुम्हें ये बुक नहीं दे सकता। तो डॉक्टर स्ट्रेंज वो बुक चुरा लेते हैं और रात को वो पढ़ने लगते हैं। और फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि असल में उनकी बॉडी तो सो रही होती है लेकिन उनकी सोल ये बुक पढ़ रही होती है, यानी अब उनमें काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर आ चुकी थी, वो इन चीजों को सीखने लगे थे और उन्हें सब कुछ अच्छा भी लग रहा था। तो वो गुरु लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ लेकर जाती है और उससे कहती है कि मैं खुश हूं कि तुम काफी जल्दी सीख रहे हो, आओ मैं तुम्हें आईने की दुनिया में लेकर जाती हूं, यानी मिरर वर्ल्ड में। वो कहती है कि तुम चाहो तो अपनी मर्जी से आईने की दुनिया बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो इसमें, लेकिन याद रखना इसमें जो कुछ तुम कर रहे हो उसका असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, बस ये है कि इस मिरर वर्ल्ड में तुम देखकर दूसरी दुनिया पर नजर रख सकते हो। अब आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर स्ट्रेंज सारी बातें समझने लगता है कि अचानक एक दिन उसके दिल में ख्याल आता है कि उस बुक में ऐसी आखिर क्या बात है कि उसको उस आदमी ने चुरा लिया जिसके पीछे एक गुरु लेडी पड़ी हुई थी। वो लाइब्रेरी जाता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता तो वो उस बुक को पढ़ने लगता है जिसके कुछ पेजेस अभी भी मिसिंग थे। वो देखता है कि उस बुक में कोई चीज बनी हुई है और सेम वैसी ही चीज उनके सामने भी पड़ी होती है जिसे वो अपने गले में पहन लेते हैं। और उसके बाद वो बुक को दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं। उन्होंने जो एक छोटा सा पोर्टल तैयार किया होता है, जब वो उसे घुमाते थे तो बुक के खोए हुए पेजेस भी वापस आ जाते थे और जो से वो खा चुके थे वो भी उन्हें पूरा का पूरा दिखाई देता था। अभी वो सब एक्सपेरिमेंट्स कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर उन गुरु लेडी का स्टूडेंट आ जाता है। वो उन्हें रोकता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम टाइम के साथ खेल रहे हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ के लाइब्रेरियन से भी पूछता है कि आखिर यहाँ पे इतने दरवाजे क्यों हैं और तुम लोग किसी को ये बुक पढ़ने क्यों नहीं देते हो। तो वो बताता है कि ये बुक पढ़ने से ये दरवाजे खुल जाएंगे जो कि फिलहाल हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट किए हुए हैं और इन दरवाजों में से कहीं से भी हमारा दुश्मन आकर हम पर हमला कर सकता है। वो एक ऐसा शख्स है कि अगर वो दुनिया में आ गया तो वो दुनिया को तबाह कर देगा, दुनिया को खा जाएगा, इसलिए हम उससे अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो हमारा दुश्मन है, वो अंधेरी दुनिया में रहता है और जो बुक तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसमें स्पेल्स हैं उसको इस दुनिया में बुलाने के लिए, तो प्लीज आइंदा ऐसी गलती ना करना। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन तीन दरवाजों में से एक दरवाजा खुलता है और उसमें से वही आदमी आता है जिसने लाइब्रेरी में से उन बुक के कुछ पेजेस चुराए थे।
वो बताता है कि मैंने ये पोर्टल तबाह कर दिया है और तुम लोगों का दुश्मन जल्द ही पावरफुल होकर यहाँ आने वाला है। मैं उसका साथ पहले ही दे चुका हूँ, मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ, वो यहाँ आने ही वाला है। वो आदमी कहता है कि इसके लिए मुझे और पावर बस चाहिए कुछ, और जैसे ही मुझे वो पेजेस मिल जाए और जरा सी पावर मिल जाए तो देखना मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। और इसी के साथ वो उस लाइब्रेरी में ब्लास्ट करता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज उन दरवाजों में से एक दरवाजे के पार जाके गिरते हैं जो कि न्यूयॉर्क में खुलता था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक ग्लास कवर में एक ड्रेस है। अभी वो ये देख ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे वही विलेन आ जाता है, यानी गुरु लेडी का वही स्टूडेंट जिसने बुक के कुछ पेजेस चुराए थे। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और इसी के साथ वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो ड्रेस, वो चादर हिलने लगती है डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के, और अपने उस ग्लास कवर से बाहर आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने लगती है। वो पूरा आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत मारता है, लेकिन हर बार वो चादर डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा रही होती है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो चादर ऑटोमेटिकली ही डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी पर आकर लग जाती है। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे कि वो उस आदमी का आसानी से मुकाबला कर सकते थे। दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज को ये एक अवार्ड मिला था, ये उनका एक इनाम था, क्योंकि उन्होंने यहाँ से गुरु लेडी से कुछ सीखा, और जो भी उनसे कुछ सीखता है उसको इनाम मिलता है जो उसकी मदद करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस बुरे आदमी से लड़ने लगते हैं और फाइनली उसको कैद कर लेते हैं। तो वो आदमी कहता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं अपने लीडर को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। वो उसे बुरे लीडर की बात कर रहा होता है जिसके लिए वो काम कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर एक बार वो इस दुनिया में आ गया तो वो इस दुनिया को अपना बना लेगा और फिर यहाँ पर कोई नहीं मरेगा, क्या तुम लोग ये नहीं चाहते हो? तो वो गुरु लेडी कहती है कि मैं इस पर खुद तहकीक करूंगी, मैं रिसर्च करूंगी इस पर, और फिर वो चली जाती है उस अंधेरी दुनिया में। और अब पीछे से उस बुरे आदमी का एक आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाते हैं। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल बनाना आ चुका था, तो वो वहां से एक पोर्टल बनाकर निकल जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी फीमेल फ्रेंड के पास पहुंचे थे और उनसे कहते हैं कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ किसी भी तरह। और जब उनको लिटाती है उनका ऑपरेशन करने के लिए, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह अपने आप बाहर आ जाती है और वो अपना ही इलाज करने लगती है, जिसे देख के उनकी दोस्त काफी हैरान होती है। लेकिन ये वही पावर थी जो कि उन्होंने उस गुरु लेडी से सीखी। कि तभी वहां पर उस बुरे आदमी का एक और बंदा आ जाता है जो उन पर अटैक करने लगता है। उन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है और हम देखते हैं कि उस बुरे आदमी का आगे से जो आदमी होता है काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, और असली दुनिया में वो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देता है, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज की यहाँ पर डेथ हो जाती है। उनकी फीमेल फ्रेंड को ये देख के काफी दुख होता है और वो उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक्स देने लगती है, जिसकी वजह से उनकी सोल में पावर आती है और वो उस आदमी को हरा देते हैं। उन्हें एक बार और इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल अब उनकी बॉडी में दोबारा वापस आ जाती है। तभी वहां पर वो गुरु लेडी भी आ जाती है और उस डॉक्टर से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम सब कुछ सीख चुके हो, तुम हमारी दुनिया के प्रोटेक्टर बन जाओ और हमारी हिफाजत करना अब से, मैं तुम्हें और भी सारी पावर सिखा दूंगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ऑफ मैनकाइंड, मैं इंसानी जिंदगी बचाता हूँ, और मेरा इन स्पिरिट से क्या लेना देना, और मुझे तो लगता है कि मैं अच्छा डॉक्टर भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने एक आदमी की जान ले ली है। तो वो गुरु लेडी कहती है कि तुम इस बात का ना सोचो, वो एक बुरे आदमी का आदमी था। तो वो गुरु लेडी कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे सारा कुछ सीखा है और अब तुम भाग रहे हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, मैं भी जानता हूँ कि आप इतनी ज्यादा जिंदगी कैसे जी रही हैं, आप इमॉर्टल कैसे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी उस अंधेरी दुनिया से कोई लिंक है, आप वहां से पावर लेती हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता। गुरु लेडी कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। तभी वहां पर वो बुरा आदमी आ जाता है, यानी वही अंधेरी दुनिया का लीडर, वो इस दुनिया को तबाह करने वाला था। कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस पूरी दुनिया को मिरर वर्ल्ड में बदल दूं, यानी आईने की दुनिया में, तो तब यहाँ पे कोई भी नुकसान होगा या किसी की जान जाएगी तो उसका असली दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज की भूल थी, क्योंकि वो लीडर अब इतना ताकतवर हो चुका था कि वो आईने की दुनिया से भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था, और अगर वो किसी को भी यहाँ पर मारता तो असली दुनिया में भी लोगों की जान जा सकती थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को कैसे भी करके अपनी दुनिया को बचाना था, तो वो तरीके सोचने लगते हैं, क्योंकि उनके दिल में अभी भी इंसानियत बाकी थी। तभी वहां पर गुरु लेडी भी आ जाती है और वहां पर एक पोर्टल बनाती है, जिसका ये फायदा होता है कि वो बुरा आदमी यानी अंधेरी दुनिया का लीडर अपनी पावर्स को उस पोर्टल के अंदर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उस गुरु लेडी ने पूरे पोर्टल से इस दुनिया को कवर कर लिया होता है।
लेकिन वो बुरा आदमी अभी भी अपनी पावर्स उन लोगों को जख्मी करने के चक्कर में था। और उसी दौरान ही गुरु लेडी, डॉक्टर स्ट्रेंज और गुरु लेडी का स्टूडेंट उस पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो सारे काफी जख्मी हो चुके थे। यहाँ पर उन गुरु लेडी की तबीयत काफी खराब हो जाती है, तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि उनकी सोल उनकी बॉडी छोड़कर जा रही है, तो तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल भी उनकी बॉडी से बाहर आती है और गुरु लेडी की सोल के पास जाके उन्हें रोकती है। लेकिन गुरु लेडी कहती है कि अब मेरा वक्त आ चुका है, और तुम कहते थे ना कि मैं इमोर्टल हूँ। मैं इमोर्टल नहीं थी, मैं बस अंधेरी दुनिया से इसलिए पावर्स लेती थी ताकि मैं अपनी दुनिया को बचा सकूं, और मैं कुछ गलत नहीं करती थी क्योंकि उसने सब कुछ मेरे इल्म से चुराया और मैं बस उसको यूज कर रही थी। और हो सकता है कि जब आगे जाके तुम भी बड़े लीडर बनो तो तुम्हें भी ऐसा करना पड़े। कभी किसी के बारे में आइंदा के बाद गलत मत सोचना। और इसके बाद गुरु लेडी की सोल वहां से चली जाती है, यानी अब गुरु लेडी हमेशा के लिए यहां से जा चुकी थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और उस गुरु लेडी का स्टूडेंट वापस से उस जगह पर जाते हैं, तो देखते हैं कि उन बुरे लोगों ने पूरी लाइब्रेरी को तबाह कर दिया है और वो वहाँ की बाकी दुनिया भी तबाह करने के चक्रों में है। वहाँ का लाइब्रेरियन भी मारा जा चुका होता है कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है। वो याद करते हैं कि जब बुक पढ़ते हुए उन्होंने एक पोर्टल घुमाया था जिसकी वजह से टाइम रिवर्स हो गया था, तो अब इनको वो यूज करने की जरूरत है। वो उसे घुमाने लगते हैं, टाइम रिवर्स होने लगता है और सब कुछ पहले की तरह होने लगता है। उनका दोस्त जो कि लाइब्रेरियन था वो भी जिंदा हो चुका था, लेकिन अब काफी देर भी तो हो चुकी थी। अंधेरी दुनिया का लीडर अब इस दुनिया में आ चुका था और उस दुनिया को तबाह करने ही वाला था। उस अंधेरी दुनिया का लीडर और उसके पूरे साथी उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे गिर जाता है और जो उन्होंने अपने गले में पहना होता है वो जमीन पर लगता है, और उसके जमीन पर लगने की वजह से टाइम वहीं पर स्टॉप हो जाता है। और इस चीज का फायदा उठाकर डॉक्टर स्ट्रेंज उस अंधेरी दुनिया के लीडर के सामने जाते हैं और वहां पर वो लीडर डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि टाइम बार बार रिपीट हो रहा था। अंधेरी दुनिया का लीडर बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता और डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा हो जाते। दरअसल उन्होंने टाइम का एक लूप बना दिया था जिसकी वजह से ये सारी चीजें रिपीट हो रही थीं। डॉक्टर स्ट्रेंज उस लीडर से कहते हैं कि मैं एक शर्ट पे लूप खत्म करूंगा। अगर मैंने लूप खत्म न किया तो इसका तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी तुम मुझे मारोगे मैं जिंदा हो जाऊंगा। तुम ये सब फसाद खत्म कर दो, तुम दुनिया को तबाह करने का प्लान अपने जहन से निकाल क्यों नहीं देते हो? तो वो लीडर इसकी कोई बात नहीं मानता, तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ठीक है फिर तुम इसी लूप में फंसे रहो, तुम मुझे कभी मार ही नहीं पाओगे, और जब तक तुम यहाँ से ना गुजर जाओ तुम दुनिया पर कैसे अटैक करोगे। तो आखिरकार उस अंधेरी दुनिया का लीडर हार मान ही लेता है और अपने सब साथियों को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि दुनिया पर किसी के भी अटैक का कोई खतरा नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो चीज अपने गले में पहन रखी थी वो अपने गले से उतार कर उसे उसकी जगह पर रखाते हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन एक खतरा उन्हें अभी भी था कि गुरु लेडी की अब डेथ हो चुकी थी और उन पर अब कोई भी अटैक कर सकता था ज्यादा पावरफुल होने के बाद। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात पर कहता है कि मैं रेडी हूँ क्योंकि मैंने गुरु लेडी से उनकी सारी पावर सीख ली है जिनका मैं अच्छा यूज करूंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।